आज का दिन ही खराब है। एक तो ड्राइवर ने छुट्टी ले ली, उसके वजह से फोन का नेटवर्क नहीं लग रहा है। क्या करूं, एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा हूं मैं। यहां तो कोई टैक्सी भी नहीं दिखाई दे रही है। रोको रोको रोको, रोको, रोको। माल है, कोई गाड़ी नहीं रुक रही। टैक्सी, तो वैसे ही एयरपोर्ट चलोगे? अरे अजीब आदमी है, कुछ तो बोलो। ओ भाई साहब, जरा गाड़ी आराम से चलाओ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे ये कौन से रास्ते से ले जा रहे हो मुझे? एयरपोर्ट तो दूसरी तरफ है ना। रोको रोको गाड़ी, अभी क्या भी गाड़ी रोको। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है सर, जिस एसीपी प्रद्युमन को हम सब अपना आदर्श मानते हैं, उनके साथ सीआईडी में एक दिन काम करने का मौका मिलेगा। वो सब ठीक है, लेकिन तुम लोगों को अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है मेरी कसौटी पर उतरने के लिए, समझे? बिल्कुल सर, हम लोग भी यही चाहते हैं। हेलो एसीपी प्रद्युमन, या लाश कहाँ पर? ठीक है, क्या हुआ सर? एक लाश मिली है मदोरी बीच पर, बच्चा कहाँ गया? आदमी भी उसके पीछे था। यहाँ ले रख दे। सर कटी लाश, बॉडी जिस तरह से सड़ी है लगता है मौत 2-3 दिन पहले हुई है। जी सर, खूनी ने खून करके लाश को समंदर में फेंक दिया होगा और फिर इन लहरों के जरिए बहकर लाश। कपड़ों से तो लगता है किसी अच्छे घर का आदमी। निखिल, जरा मिसिंग पर्सन ब्यूरो में फोन करो और पता लगाओ 2-3 दिन में कितने लोग गायब हुए। हाँ, कौन लोग हैं, कहाँ से गायब हुए, ठीक है? सौ। इस शरीर पर जो घाव दिख रहे हैं, ये सारे घाव लगता है वहां पर जो सारे पत्थर है ना, उनकी वजह से हुए हैं। अरे जरा इधर आओ। हाँ साहब। एक बात बताओ, क्या यहाँ कोई ऊंचाई वाली जगह है जहाँ पर उस तरह के पत्थर हों? हाँ साहब, है ना, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी एक पहाड़ी है। 5 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, थैंक यू। 5 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी है। कभी नहीं, काम करो, इस लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो और इस आदमी ने जो जगह बताई है वहां जाकर के अच्छी तरह से पूछताछ करो, पता लगा, देखो कुछ पता चलता है क्या, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। यस सर। ए, तुम? मैं साहब। हाँ तुम, जरा। आज दोपहर को तुम ही थे ना सिप एंड डाइन होटल के बाहर? नहीं तो साहब। नहीं क्या, एक स्कूल जाने वाले बच्चे के पीछे लगे थे तुम? अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो मेरा भतीजा चिंटू है सर, वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था ना, इसके लिए मैं उसके पीछे दौड़ रहा था। वो स्कूल नहीं जाना चाहता था इसलिए तुम उसके पीछे दौड़े थे? जी सर। कहाँ रहते हो तुम? सर यही सामने एक चौल है, वहीं रहता हूँ सर। चिंटू होगा वहाँ पर? जी सर। चलो दिखाओ। आइए सर, सर यही हमारा चौल है, आइए सर, आइए इधर। सर यही है चिंटू। चिंटू बेटा, ये सीआईडी से एसीपी अंकल है, आपसे मिलने आए हैं। हेलो बोलो। हेलो। चिंटू, बड़ा प्यारा नाम है तुम्हारा, स्कूल जाते हो ना, पढ़ाई करते हो? अच्छा चिंटू बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें क्या क्या पसंद है? तुम्हें मिठाई पसंद है या स्वीट्स पसंद है
ये चॉकलेट्स पसंद है या बिस्किट पसंद है, क्या पसंद है? चॉकलेट। चॉकलेट पसंद है? अरे बाप रे, अब तो मुसीबत हो गई, अब तुम्हें चॉकलेट कैसे दें? चलो कोई बात नहीं, कुछ जादू करके देखा। आओ मंत्र जादू, मंत्र छू, मंत्र छू, मंत्र छू, आ गया ना चॉकलेट। ये लो चॉकलेट चिंटू के लिए। अच्छा चिंटू, और एक बात बता, आज सुबह, मेरा मतलब एक दो घंटे पहले, जब तुम स्कूल जा रहे थे तो तुम एमआई रोड पर भागे जा रहे थे, है ना? क्यों भाग रहे थे? वो सर मैं बता रहा था ना, इसे स्कूल नहीं जाना था। आप जरा चुप रहिए, ये मुझे चिंटू बताएगा, है ना चिंटू? क्यों तुम्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता? ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं ना, अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना, लेकिन एक बात कहूँ, स्कूल जाना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और बड़े बनकर अच्छे इंसान भी बनना चाहिए, है ना? और चिंटू तुम्हें जब भी कभी भी तुम्हारे इस एसीपी अंकल की जरूरत पड़े ना, तो मुझे मेरे इस कार्ड पर फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मैं चलो, गुड बॉय, बाय बेटा, बाय। बाय चिंटू। ये चिंटू कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुया गाड़ी रोको, एक सेकंड रुको। ये देखो, यहाँ पेड़ के नीचे खरोचों के निशान, और ये एक गाड़ी के पेंट जैसा लगता है। हो ना हो, यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। सर ये देखिए, टायर के निशान, हो सकता है वो मरने वाला गाड़ी में ही होगा, और फिर गाड़ी यहाँ से नीचे गिर गई। आई सी, यहाँ भी निशान है, लेकिन यहाँ घसीटने के भी निशान है। ये देखो, यहाँ से लेके पूरे वहां तक, ये घसीटने के निशान तो कोई और ही कहानी बयां कर रहे हैं श्रेया। मतलब खूनी ने पहले लाश को यहाँ से घसीट कर नीचे फेंका, और उसके बाद उसकी गाड़ी को यहाँ से, मतलब वो खून को दुर्घटना का रूप देना चाहता था। खूनी इस खून को दुर्घटना दिखाना चाहता था, फिर उसे लाश का सिर काटने की जरूरत क्या थी? ये जवाब तो हमें सिर्फ उस गाड़ी से ही मिल सकता है। करण, गोताखोरों का इंतजाम करो, कुछ भी हो जाए हमें ये गाड़ी इस समुंदर से बाहर निकालनी ही होगी। देखो कोई और सुराग मिलता है कि नहीं। सर, आने के। सर वहाँ उस झाड़ी में ये जूता मिला सर। जूता यहाँ पे? ये जूता बहुत महंगा लगता है सर, हो सकता है मरने वाले का हो। सही कह रही हो शेख, मतलब जब खूनी लाश को घसीट के नीचे फेंक रहा था, तब यहाँ पेड़ों से अटक के ये जूता यहीं रह गया। सर खूनी ने पूरी की पूरी लाश यहाँ नीचे फेंक दी, उसके बाद एक पूरी की पूरी गाड़ी को भी यहाँ से धकेल दिया। वैसा तो हो नहीं सकता कि किसी ने देखा या सुना ना हो। सही कह रहे हो, पर यहाँ सुना हो, वो देखो चाय वाला, हो सकता है उसने कुछ सुना या देखा, चेक करते। हम लोग CID से। CID? हाँ, वो कल रात में यहाँ एक खून हो गया है पीछे ज्वाला रोड पे, उसके बारे में पूछताछ करनी थी। आप में से किसी ने कुछ देखा या सुना हो? ज्वाला रोड पे? नहीं साहब, हम लोग तो ज्वाला रोड पे जाते ही नहीं है। क्यों? क्या अक्सर वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं क्या? हाँ, मगर ये घटना कोई इंसान नहीं, वो आत्मा करती है, टैक्सी वाली आत्मा। टैक्सी वाली आत्मा? हाँ साहब, सुना है एक आत्मा टैक्सी चलाती है जो भोले भाले इंसानों को गाड़ी में बैठाकर उन्हें मार डालती है। ज्वाला रोड पर रात को टैक्सी बैठना मौत को दावा देने जैसा है। कैसी बातें कर रहे हैं, इस सदी में भी ऐसी अंधविश्वास की बातें? नहीं साहब, ये अंधविश्वास नहीं है, तीन दिन पहले मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अभी तो पेट्रोल भरवाया था, ये क्या हो गया?
ड्राइवर की टैक्सी, ये कैसे हो सकता है? देखिए भाई साहब, ये आपका कोई वहम होगा। वहम नहीं है साहब, वो वही आत्मा वाली टैक्सी थी। वो तो अच्छा हो गया मैं उसमें बैठा नहीं, वरना आज आप लोग मेरे खूनी की तलाश कर रहे होते। खूनी आत्मा है या फिर कोई इंसान, ये तो उस लाश के जख्मों से ही पता चलेगा। तो मतलब आप लोगों को पता ही नहीं लगता है कि किसकी लाश है? कोशिश कर रहे हैं सालों के साथ, जिस लाश का सर ही नहीं है उसकी पहचान पता करने में थोड़ा बहुत वक्त तो लगता ही है ना सर। ऑफ कोर्स बिल्कुल। एनीवे, आप लोगों को कुछ पता लगा हो या नहीं लगा हो, लेकिन सालूखे ने अपना काम कर दिया। अच्छा, क्या पता लगाया सर आपने? ये देखो, ये फोटोग्राफ्स देख रहे हैं आप लोग, ये उन घावों के फोटोग्राफ्स हैं जो इस आदमी के शरीर पर मिले थे, और ये सारे घाव इस आदमी के मरने के बाद इसके शरीर पर आए। इसका मतलब इस इंसान की मौत इन जख्मों से नहीं हुई है? नहीं केविन, इस आदमी की मौत तभी हो गई थी जब इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग की गई थी। ओह, और खूनी ने जब इसे पहाड़ के ऊपर से नीचे समंदर में फेंका तब ये निशान आए होंगे। बिल्कुल तय, शायद किसी तलवार या बड़े चाकू का इस्तेमाल किया है खूनी ने इस जुर्म को अंजाम देने के लिए। नहीं दोषक, अगर किसी तलवार या किसी चाकू का इस्तेमाल किया होता तो मुझे इसकी गर्दन के नीचे यहाँ पर तलवार या चाकू का निशान मिलता। सालों के साहब, अगर चाकू से नहीं काटा तो फिर इसकी गर्दन अलग कैसे की? भाई कोई बहुत ही ताकतवर इंसान है ये खूनी, उस खूनी ने एक ही झटके में इस बेचारी की गर्दन इसके धड़ से उखाड़ कर अलग कर दी। अरे बाप रे, मुझे तो लगता है ये काम उसी टैक्सी वाली आत्मा का होगा। अरे यार, ये इसका मतलब मुजरिम ने खून करने का ये तरीका इसलिए चुना ताकि ये आदमी भी मर जाए और हम इसकी पहचान भी ना कर सके। गलत फहमी है खूनी को, चाहे खूनी खुद को कितना ही होशियार क्यों ना समझ रहा हो, CID किसी न किसी तरीके से रास्ता निकाली लेती है। बिल्कुल दया, और हमें एक रास्ता मिल भी गया है जो हमें इस आदमी की पहचान भी बताएगा और उस खूनी तक भी पहुंचाएगा। कैसा रास्ता सर? एक मिनट, ये जूता जो आपको क्राइम सीन पे मिला है, और ये इसी आदमी का जूता है, और इस जूते के नीचे हमें क्या मिला है वैभव? इस जूते के नीचे हमें स्याही मिली है जिसका इस्तेमाल प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है, जैसे मैगजीन या न्यूज़पेपर की। प्रिंटिंग प्रेस की स्याही? क्राइम सीन के पास एक प्रिंटिंग प्रेस है तो सही, शायद वहां से हमें कुछ पता चल जाए। लेट्स गो। दया। हाँ सर। एक मिनट, तुमसे बात करनी है। आप लोग जाओ। क्या हुआ सर, कुछ कहना बाकी रह गया क्या? हाँ दया, ये यानी कार्ड तुम अभिजीत को दे देना। क्या है सर, मैं खोल के देखूं? हाँ देख लो। सॉरी का कार्ड? हाँ यार, वो एक्चुअली क्या है, पिछले केस में मैंने अभिजीत को कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया यार, सो यू नो आई एम फीलिंग। हाँ सर, ये बात तो है। कोई नहीं सर, हो जाता है कभी कभी ऐसा। नहीं नहीं यार, पर होना नहीं चाहिए। अभिजीत ही जिस इज वेरी स्वीट, यू नो तुम यार दे देना, एक कार्ड दे देना। सर ये काम आप खुद क्यों नहीं कर लेते? अरे नहीं यार दया, मैं उसके सामने ये सब बोल नहीं पाऊंगा यार। तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते यार दया। नहीं नहीं सर, आपका ये काम हो जाएगा। थैंक यू दया। अविनाश जी का घर यही है ना? हाँ हाँ, ऑफिस वालों ने तो यही एड्रेस दिया था। घर में कोई नहीं है क्या? लगता तो ऐसा ही है। अविनाश की पत्नी नेहा का भी फोन नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, दरवाजा खोल देते हैं। वाकई घर में कोई नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने नेहा जी को भी? चोर चोर, कोई है, पुलिस को फोन करो। रिलैक्स मैडम, हम लोग CID से। CID से है तो क्या हुआ, आपको कोई हक नहीं है इस तरह से किसी के घर में घुसने का। माफ कीजिए, आप नेहा जी है ना, अविनाश की पत्नी? हाँ। देखिए, हम लोगों ने काफी कोशिश की आपको फोन करने की, लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा था। बहुत बार फोन करने की कोशिश की? जी हाँ, और बाहर इतनी घंटी बजाने के बावजूद जब आपने घर का दरवाजा नहीं खोला तो हमें मजबूरन आपके घर में दाखिल होना पड़ा। हाँ, वो मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मैं अभी अभी तीर्थ यात्रा से वापस आई हूँ। आखिर बात क्या है? अच्छा ये बताइए कि अविनाश से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? हो गए 2-3 दिन, वहाँ पे फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था इसीलिए बात नहीं हो पाई। आप लोगों को अविनाश से मिलना है ना, तो शाम को आइए ना, वो इस वक्त ऑफिस में होंगे। नेहा जी, एक बुरी खबर है, आपके पति अविनाश जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? अविनाश
ये सब क्या हो गया? नेहा जी प्लीज संभालिए अपने आप को, प्लीज संभालिए। नेहा जी, अविनाश जी के ऑफिस वालों ने हमें बताया है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे थे, आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, अविनाश ने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। सर, सर डस्टबिन में से ये कागज मिला है, इस पे कुछ लेटर्स चिपकाए गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मैगजीन वगैरह से काट के चिपकाए गए हैं। नेहा जी, ये शब्द क्या अविनाश जी ने काट के चिपकाए? नहीं, अविनाश तो मैगजीन कभी पढ़ते ही नहीं थे। हो सकता है कि धमकी देने वाले ने ये चिट्ठी लिखी हो। हाँ सचिन, और अपनी लिखावट छिपाने के लिए उसने शब्द चिपका कर ये चिट्ठी कंप्लीट की है। और लिखा क्या है? अगर मेरी बात नहीं मानी तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। एक मिनट, बड़ी सफाई से चिपका है। एक मिनट, ये क्या? जेएलटी मैगजीन, मतलब ये जेएलटी मैगजीन से कटा गया है। जेएलटी मैगजीन, ये नाम मैंने कहीं देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ। याद करो कविन, कहाँ पे देखा है? कहीं अविनाश जी के ऑफिस में तो नहीं? वहां नहीं, कहीं, हाँ याद आया, ये मैगजीन मैंने वीरेन के पास देखी थी, उसकी प्रिंटिंग प्रेस में। लेकिन वीरेन की अविनाश जी से क्या दुश्मनी हो सकती है? रेडी, अविनाश की कंपनी वो प्रिंटिंग प्रेस खरीद रही थी, तो हो सकता है प्रिंटिंग प्रेस के मजदूरों को लगा हो कि उनकी नौकरी खतरे में है। और जैसे ही अविनाश जी प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकले, वीरेन ने उन्हें, ओह आई सी, इस वीरेन से दोबारा मिलना पड़ेगा। चेहरे पे लाइट क्यों मार रहा है? अरे जानते हैं कौन हूं मैं? अखबार में काम करता हूं। पागल है? रात को भी यार आदमी लगता है ऐसे नहीं मानेगा तू। आज घर मार खा के जाने का इरादा लेके आया तू, तेरी तो। कहां भाग गया? कहाँ भाग गया? अरे टैक्सी में तो कोई नहीं है, लेकिन अपने आप स्टार्ट कैसे हो गई? मेरे ऊपर क्यों चला रहा है? ए बब्बा बताओ, ठीक है यार, ए रोक ले, ए मेरे ऊपर तू रोक ले, ए बब्बा बचा। एक और खून, लगता है कोई गाड़ी बड़ी तेजी से इसके शरीर के ऊपर से गई है। शरीर के इस हिस्से को और इस हिस्से को बुरी तरह से कुचल दिया है, बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, अब तक तो हम ये सोच रहे थे कि अविनाश के खून में वीरेन का हाथ है, पर अब किसी ने वीरेन को ही मार दिया। हाँ श्रेया, अविनाश और वीरेन की मौत के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर है। मगर सर, किसी और गाड़ी से कोई खून क्यों करेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये खून आत्मा वाली टैक्सी नहीं किया है। सर, फिर वही आत्मा? पंकज जी, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, समझे? सर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सर आपको याद है ना उस आदमी ने क्या कहा था? सुना है एक आत्मा टैक्सी चलाती है जो भोले भाले इंसानों को गाड़ी में बैठा कर उन्हें मार डालती है। ज्वाला रोड पर रात को टैक्सी बैठना मौत को दावा देने जैसा है। इसका एक्सीडेंट किसी टैक्सी से हुआ या फिर किसी गाड़ी से, इसका पता तो इस एटीएम पे लगे हुए कैमरे से ही चलेगा। एक काम करो करण, दिव्या सर जरा फुटेज निकालो, तब तक हम लोग गाड़ी चेक कर लेते हैं। सर
ये क्या है? ये देखो, ये वीरेन किसी जीवन साइकेट्रिक फैसिलिटी में गया था। हो सकता है वीरेन वहां किसी साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग वगैरह करवा रहा हो सकता है। सर, सीसीटीवी फुटेज। देखते हैं सीडी में क्या है। एक काम करो, गाड़ी में से लैपटॉप ले आओ। आप लोगों ने, मैं कहता था ना आत्मा वाली टैक्सी। जरा ड्राइवर सीट पे जूम इन करो। ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता। ड्राइविंग सीट पे तो कोई है नहीं। सर, अब तो आप लोगों को सबूत मिल गया है कि आत्माएं होती है। पंकज, ना तो आत्माएं होती हैं और ना ही कोई दूसरी दुनिया, ये कुछ और ही है। कुछ और ही। हालत बहुत खराब है सर। सर, अगर आज मुझे कुछ हो गया ना तो मेरी माँ को एक मेरा आखिरी संदेशा दे दीजिएगा। क्या? सर, उनसे कहिएगा कि जो वो इतने प्यार से मोतीचूर के लड्डू बनाती है ना, वो ना बनाए, क्योंकि उन्हें प्यार से खाने वाला उनका लाल शहीद हो चुका है सर। अरे तो इसमें आंटी जी के लड्डुओं पर रोक लगाने की क्या जरूरत है? हम लोग है ना, खा लेंगे तुम्हारा नाम लेकर। क्या मतलब सर? आप जानते हैं कि मेरी आखिरी रात है। अरे पंकज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ एक बार ये केस सॉल्व हो जाए तो हम सब आएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर, और तुम्हारी मम्मी के हाथ से बने लड्डू हम सब मिलकर खाएंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। पंकज, शायद कोई आ रहा है। हे भगवान, सर सर, टैक्सी नहीं थी सर। लगता है आज वो टैक्सी छुट्टी पर है। आएगी पंकज, आएगी। सबर कर, सबर का फल मीठा होता है। फल इतना भी नहीं मीठा होना चाहिए कि जान ले ले सर। पंकज, लगता है टैक्सी आ गई। टैक्सी, रुक जा रुक जा रुक जा। थैंक गॉड, इस टैक्सी में ड्राइवर है। चलो भैया। ये क्या? अरे भाई साहब, ये ड्राइवर सर, सर इस गाड़ी में ड्राइवर नहीं है। सर सर सर, इस गाड़ी में ड्राइवर नहीं है। अरे ये पंकज टैक्सी से कूद गया। ओह माय गॉड, इसे चोट ना लग गई? पंकज, पंकज, पंकज उठो, तुम ठीक हो ना? पंकज, यू ओके? सॉरी, मैं अपनी जान बचाने के लिए उस टैक्सी से कूद गया सर, मैं ज्यादा देर नहीं बैठ पाया। मगर ऐसा क्या हुआ उस टैक्सी में? सर, उस टैक्सी का ड्राइवर हवा में गायब हो गया सर। उस टैक्सी में कोई ड्राइवर ही नहीं है। अरे पंकज, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तुम्हारा वहम तो नहीं है? ये मेरा वहम नहीं है सर, मैं अपनी जान बचाने के लिए कूदा सर, ये मेरा वहम नहीं है। ड्राइवर ड्राइवर ही नहीं है उस टैक्सी में सर। टैक्सी सीधी गई है? हाँ सर, वही गई है। टैक्सी सीधी गई है तो फिर कोई टेंशन नहीं, हमारे साथ ही उस तरफ है। अब तक तो टैक्सी वाला पकड़ा भी गया होगा। इट्स ओके। फ्रेडियो शिरत, फ्रेडियो शिरत, मैंने तुम्हें कहा था कि निकल्स पॉइंट पे रुको, तुम लोग यहाँ चले आए। ये
वहाँ कोई टैक्सी आई क्या? नहीं तो वहाँ पे तो कोई टैक्सी नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सड़क तो बिल्कुल सीधी है, ना कोई राइट ना कोई लेफ्ट, तो फिर टैक्सी गायब कहाँ हो सकती है? सर हम पिछले 3 घंटों से वहीं इंतजार कर रहे हैं, वहाँ कोई टैक्सी नहीं आई। सर कहीं उस ड्राइवर की तरह वो टैक्सी भी तो गायब नहीं हुई? नहीं पंकज नहीं, ना ही ड्राइवर गायब हुआ है और ना ही कोई टैक्सी। ये जरूर कुछ और ही चक्कर है, हम लोगों की आंख में धूल झोंकने का चक्कर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस टैक्सी वाले ने टैक्सी कहीं छुपा दी हो? नहीं फ्रेडी ये नहीं हो सकता, ये एक ही रास्ता है और यहाँ पे ना टैक्सी छिपाई जा सकती है और ना गायब हो सकती है। सर एक चीज तो मैं आपको देना ही भूल गया, ये देखिए सर, ये मुझे सीट के नीचे मिला था टैक्सी में। अविनाश का ड्राइविंग लाइसेंस। इसका मतलब है कि जिस रात अविनाश का खून हुआ उस वक्त उसका ये वॉलेट उसी टैक्सी में छूट गया था। ये क्या, ये तो बिल्कुल वैसा ही पास है जैसे हमें वीरेन की गाड़ी में से मिला था, साइकेट्रिक क्लिनिक का पास। इस वीरेन और अविनाश का कुछ तो संबंध जरूर है उस साइकेट्रिक क्लिनिक से। मगर सर वो टैक्सी, शेयर टैक्सी ऐसे अचानक गायब नहीं हो सकती। एक काम करते हैं, इस रास्ते का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, टैक्सी जरूर मिलेगी। चलो देखते हैं कच्चा रास्ता कहाँ जाता है। इसी कच्चे रास्ते पर आकर वो टैक्सी गायब हो गई। हाँ दुष्यंत, वैसे भी रास्ता काफी सुनसान है। अरे ये क्या, ये तो डेड एंड है। अगर टैक्सी यहाँ से गई भी होगी तो यहाँ से आगे नहीं जा सकती। लगता तो यही है, यहाँ तो आगे बस ये दीवार। एक मिनट, ये देखो दुष्यंत, टायर के निशान, ये दीवार के पास आके खत्म हो जाते हैं। ये बात तो है दुष्यंत, इस दीवार के पीछे जरूर कोई ना कोई खुफिया रास्ता है। हो सकता है सचिन, और ये भी हो सकता है कि यहाँ कोई खुफिया बटन या लेवर हो जिससे ये दीवार हट जाए और हमें वो जगह दिख जाए जहाँ वो टैक्सी गई है। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे लिवर या फिर कोई बटन लगा हो। तो फिर तोड़ देते हैं दीवार को। जा सकते हो। थैंक यू। ओह माय गॉड, तो ये वो जगह है मगर टैक्सी तो दिख नहीं रही। इसका मतलब यहां से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी है। लगता है ये है वो दूसरा रास्ता, यहां से। बहुत प्लानिंग के साथ किए जा रहे हैं ये काम और इसी प्लानिंग की कोई ना कोई कड़ी हमें यहां जरूर मिलेगी। तो ये है रोबोट, ये देखो। ये देखा दुष्यंत, ये है वो रोबोट। लगता है उस आत्मा वाली टैक्सी का ड्राइवर यही है, रिमोट से चलने वाला। हाँ सचिन, और इसी रोबोट के बाजू का इस्तेमाल किया गया होगा अविनाश के सर को उसके शरीर से अलग करने में। एक मिनट, हाँ इसके हाथ पे यहाँ पे खून भी लगा हुआ है। अब इससे पहले कि ये खूनी अपना अगला मर्डर प्लान करे पकड़ना होगा उसे। दोनों की मौत हो गई है। इन दोनों की मौत हो गई? जी हाँ, इन दोनों को किसी ने मार डाला है। डॉक्टर साहब आप ये बताएंगे कि ये दोनों आपके क्लिनिक में कुछ दिन पहले आए थे क्या? हाँ, हमारे क्लिनिक में एक मरीज है रिचा, उसी से मिलने आए थे। दोनों अकेले आए थे या साथ साथ? साथ आए थे, कह रहे थे कि दोनों दोस्त हैं और रिचा से उनकी पुरानी दोस्ती है। ओह दोनों दोस्त है, तो फिर वीरेन ने अविनाश का जूता कैसे नहीं पहचाना? इसका मतलब ये वीरेन हमसे कुछ छुपा रहा था। अच्छा ये रिचा से मिल सकते हैं हम? हाँ आप जरूर मिल सकते हैं, लेकिन एक बात है, बहुत मुश्किल से रिचा की हालत में सुधार आया है, तो आप
उससे कोई ऐसा सवाल ना पूछिएगा जिससे वो परेशान हो जाए। आप चिंता ना कीजिए, हम समझ सकते हैं। करण, इशिता, तुम दोनों यहीं रुको, हम प्रेचा से मिलकर आते हैं। आई रिचा, रिचा देखो तुमसे कौन मिलने आया है। हेलो रिचा, मेरा नाम काविन है, ये सचिन है और ये फ्रेडी। हम तीनों सीआईडी के लिए काम करते हैं। सीआईडी? जी हाँ रिचा जी, इन फोटोज को ध्यान से देखिए, इन्हें पहचानती हैं? ये आपके दोस्त अश्विन और ये वीरेन। ये दोनों कुछ दिन पहले आपसे मिलने आए थे ना? देखिए ऑफिसर, मुझे नहीं लगता है कि रिचा आपके सवालों का जवाब दे पाएगी। प्लीज डॉक्टर, खूनी तक पहुंचने के लिए हमारा रिचा जी से बात करना बहुत जरूरी है। खूनी? हाँ रिचा, खूनी। तुम्हारे इन दोनों दोस्तों का खून हो गया है, इसके बारे में कुछ बता सकती हो हमें? क्या बकवास है? वो लड़की इस कमरे की चार दीवारी से बाहर निकलती, आप उसे खून के बारे में सवाल पूछ रहे हैं? रिचा कम डाउन। नर्स, B7129 इंजेक्शन जल्दी लाओ, जल्दी लाओ इंजेक्शन। ऋषा कम ना, छोड़ो छोड़ो मुझे। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, रेडी सॉरी। देखिए ऐसी बात नहीं है, इस तरह के मरीज बच्चों की तरह होते हैं, इन्हें हर शब्द टोल मोड़ के बताना पड़ता है। डॉक्टर साहब ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इन तीनों के अतीत की कोई ऐसी कड़ी है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस केस से जुड़ी एक बहुत खास बात सामने आई है। कैसी बात? यही कि अविनाश नेहा और ऋचा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वीरेन भी पास वाले कॉलेज में ही पढ़ता था। मतलब ये सब पुराने दोस्त हैं? हाँ सर, और उस दौरान डाली नाम का एक सीरियल किलर कॉलेज के बच्चों का खून कर रहा था, और एक दिन इन चारों ने मिलकर पुलिस की मदद की और इस डाली को जेल भिजवा दिया। तो शायद हो सकता है ये सारे खून डाली का ना? यस सर, 2 महीने हो गए उसे जेल तोड़कर भागे हुए और अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ये अविनाश और वीरेन तो मारे गए, अगला शिकार या तो ऋचा है या फिर नेहा। श्रेया, इस ऋचा के क्लिनिक में फोन करो, उसे चौकन्ना रहने के लिए कहो, जल्दी। दुष्यंत, नेहा को फोन लगाओ, जल्दी। नहीं सर, नेहा फोन नहीं उठा रही। नेहा फोन नहीं उठा रही? कहीं ये खूनी नेहा तक पहुंच तो नहीं गया? देखिए आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मुझे छोड़ दीजिए। देखिए देखिए मुझे मत मारिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? मेरे पति का खून कर दिया, मुझे विधवा बना दिया और पूछते हो कि क्या बिगाड़ा है? देखिए मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, मैं सब जानती हूँ। तुम अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए आत्मा बनने का ड्रामा कर रहे हो। इसका मतलब मेरे पापा को तुम लोगों ने मारा है? हाँ, और अब तुम भी अपनी आखिरी सांसें यही लोगे। चलो बाप बेटे का मिलन करवा दूं। मिलन तो अब तुम्हारा होगा। आप नेहा जी है ना, अविनाश की पत्नी? हाँ। जेल की सलाखों और फांसी के फंदे के साथ। सीआईडी, हाँ आप लोग यहाँ? हाँ हम यहाँ। बोलो से। सर मुझे बचा लीजिए सर, सर ये मुझे मार डालेगी। डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तुमने इसके पापा का खून किया? अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है, सच तो ये है कि खून इसने किए, पहले अविनाश फिर वीरेन और अब तीसरा नंबर मेरा था। मैंने सोचा इससे पहले ये मुझे मारे मैं इसे मार दूं। सर मैंने किसी को नहीं मारा है सर, सर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे पापा का खून हुआ है, मैं तो समझ रहा था सर कि वो एक एक्सीडेंट है। कार एक्सीडेंट ही था वो, गलती हुई थी हमसे, लेकिन उस गलती के बदले तुमने दो दो खून कर दिए। मैंने किसी को नहीं मारा है। ये सही कह रहा है, अविनाश और वीरेन का खून एक सीरियल किलर डाली ने किया है जो तुम लोगों से बदला लेना चाहता है। डाली? हाँ डाली, कॉलेज के वक्त तुमने उसे जेल भेजा था ना? इसका मतलब डाली ये सारा खेल रच रहा था, ये सब आत्मा बनने का ड्रामा? पापा आप
ये कैसे हो सकता है वो? किया तुमने ये सब? सर, 4 साल पहले हमारी ग्रेजुएशन पार्टी की रात अविनाश ने बहुत शराब पी रखी थी। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो नहीं माना, लेकिन फिर भी उसने जिद की कि वो ड्राइवर सीट पर बैठेगा और वो बैठ गया। उसके बाद जो हुआ, उस हादसे ने मेरी जिंदगी को झिंझोड़ कर रख दिया। गाड़ी मुझे चलाने तो तुमने बहुत पी रखी है। ना रो मत ऋचा, पीने के बाद मैं और भी सेफ गाड़ी चलाता हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या किया तुमने? ये कैसे हुआ? ये तो मर गया। अविनाश, तुमने इसकी जान ले ली? कहा था ना तुम्हें, मुझे गाड़ी चलाने दो। ऋचा प्लीज, मैंने इसे जानबूझ के नहीं मारा है। प्लीज अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो, हमें पुलिस को बुलाना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर पुलिस आई तो हम सबके सब अंदर जाएंगे। सब क्यों जाएंगे, सिर्फ अविनाश जाएगा। क्या तुम अपने दोस्त को जेल भिजवाओगी? दोस्ती अपनी जगह और कानून अपनी जगह। कोई पुलिस नहीं बुलाएगा, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सबकी जिंदगी खराब हो सकती है। अगर हम पुलिस को नहीं भी बुलाएंगे तभी पुलिस को पता चल जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब एक काम करते हैं, इसकी लाश को टैक्सी में डालते हैं और टैक्सी को खाई में धक्का दे देते हैं। ये राज हमेशा हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाएगा। क्या एक टैक्सी वाले का खून कर दिया तुम लोगों ने? हाँ सर, मेरे लाख समझाने के बाद भी उन तीनों ने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया। उन्हें डर था कि उनका सुनहरा भविष्य शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और तुम इस हादसे से उभर नहीं पाई, तुम्हें साइकेट्रिस्ट फैसिलिटी ज्वाइन करनी पड़ी। हाँ, क्योंकि मेरा दिल उन तीनों की तरह पत्थर का नहीं। आज भी उस टैक्सी ड्राइवर की मौत का बोझ मेरे जमीर को कचोटता रहता है। अगर इतनी तकलीफ हो रही थी तुम्हें तो तुम CID के पास क्यों नहीं आई मदद के लिए? मैं आना चाहती थी, मगर जब मैं नेहा के पास गई तो इन तीनों ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं आप लोगों के पास आई तो वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। अच्छा, तब भी तुमने CID के पास आना ठीक नहीं समझा? मेरे डैड एक वर्ल्ड क्लास रिसर्चर थे, उन्होंने एक नई तकनीक का आविष्कार किया था जिससे गाड़ियां रिमोट कंट्रोल की मदद से चलाई जा सकती है। अच्छा, इसलिए बदला लेने के लिए तुमने एक ऐसी टैक्सी का इस्तेमाल किया जो रिमोट से चलती है, जिसमें एक रोबोट बैठा था, है? हाँ, जैसे मेरी जिंदगी भी एक टैक्सी की वजह से बर्बाद हो गई, उन तीनों का भी अंत उस टैक्सी की वजह से ही हो। मगर जब हमारा ऑफिसर पंकज टैक्सी में बैठा था तब तुमने उस रोबोट को गायब कैसे किया? पेनेटली हुआ केमिकल के जरिए। उसका असर इतना खतरनाक होता है कि खुद ब खुद देखते ही देखते अपने आप चीजें नष्ट हो जाती है, कुछ कुछ एसिड की तरह। बहुत लंबी प्लानिंग की थी तुमने खून करने की, मगर क्या फायदा हुआ? पकड़ी गई ना, अगर पहले CID के पास जाती मदद के लिए तो शायद तुम्हें फांसी नहीं होती। क्या बनी, कुछ पता चला? सर, उस बच्चे चिंटू के बारे में सब कुछ पता चल गया है। क्या? उसके माँ बाप गांव में रहते हैं, लेकिन बेहतर पढ़ाई के लिए उसके माँ बाप ने उसके चाचा के घर शहर भेज दिया, लेकिन पैसे के लालच में इस चाचा ने उस बच्चे से बाल मजदूरी कराना शुरू कर दिया। चाचा चिंटू से बाल मजदूरी करवाता है? बाल मजदूरी? तो फिर ऐसे चाचा की एक ही जगह हो सकती है, एक ही जगह, काल कोठरी। तुझसे बड़ा सुस्त और आलसी लड़का मैंने देखा है। मुझे काम नहीं करना, मुझे स्कूल जाना है।
बेटा स्कूल जाने के लिए फीस की जरूरत होती है और तेरे चाचा के पास कोई पैसों का पेड़ नहीं है। और सुन, अगर यहाँ से फिर से भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे काम नहीं करना है, सीपी अंकल ने कहा था मुझे रोज स्कूल जाना चाहिए। स्कूल जाएगा? बड़ा है स्कूल जाने वाला, तेरी तो गंदे नाले के कीड़े बच्चे पे हाथ उठाता है। अरे तुम कहा भाग के जा रहे हो चाचा जी, तुम्हें तो जेल में जाकर पत्थर तोड़ने हैं। आजा करण, ले जाओ इन दोनों को। थैंक यू सीपी अंकल, मुझे यह काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। देखो चिंटू बेटा, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम स्कूल जाओगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे और बड़े बन जाओगे, और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे सारे दोस्त भी, और उन सब का ख्याल हम रखेंगे, है ना? तो बताओ, खूब खूब पढ़ाई करोगे ना? हाँ, मैं बड़ा होकर पिता एक सीआईडी ऑफिसर बनूंगा और जिम को मिटा दूंगा। अरे वाह। चलो इस बात पर हम तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे और चाहिए तो आइसक्रीम भी खिलाएंगे, और जो कुछ मांगोगे वो सब देंगे, तुम्हें भी और तुम्हारे इन दोस्तों को भी। चलो बच्चों, चलो इन्हें ले चलो। क्राइम पेट्रोल 2.0 7 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सोनी पर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।